हेलो फ्रेंड्स, एक्सिस बैंक टारगेट 10 नवंबर। सो देखिए दोस्तों, मैंने चार्ट रखा, चार्ट को स्टडी करते हैं। देखिए 9 नवंबर को देखिए गैप अप ओपन हुआ था, ओपन हुआ 752 पे, नीचे आया, फिर देखिए ओपन हुआ 752 पे, फिर नीचे आया, क्लोजिंग हुई 745 पे। तो देखिए निफ्टी 3 नवंबर को शेयर ने एक हाई बनाया था 762 का, वहां से शेयर नीचे आया, क्लोजिंग हुई 745 पे। तो चार्ट में देखिए, वीकली चार्ट ने एक रेंज बाउंड सेट करा है, आपको दिखा होगा। मैं ऊपर का लाइन ड्रा कर रहा हूँ और ये लगभग लगभग नीचे का लाइन ड्रा कर रहा हूँ। तो आपको सपोर्ट लेवल दिख रहा होगा, पहले भी इसी लेवल सपोर्ट मार के ऊपर गया, फिर इसी लेवल से ऊपर आया, फिर इसी लेवल से। तो ये लेवल कौन सा है? ये लेवल आपको 745 का है। तो सपोर्ट आपको साफ साफ दिख रहा होगा 745 का। फिर से बोल रहा हूँ, सपोर्ट 745 का हो गया, उससे नीचे जाना लगभग इम्पॉसिबल है, अगर गया तो वीकनेस बढ़ेगी। पहला टारगेट होना चाहिए दोस्तों 762 रुपीज़ का। कितना? 762 का, जो इसने 3 नंबर को हाई बनाया था, वो लेवल सस्टेन करेगा तभी तेजी इसमें आएगी।